ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठकर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूँ। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, ये समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, ये समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, ये समझदारी कहलाती है।